e-digital techniques. हेलो दोस्तों, वेलकम एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, अगर आपकी किसी भी वीडियो पर ऑडियो के ऊपर कॉपीराइट आ गया हुआ है तो आप उस कॉपीराइट के हिस्से को किस तरह म्यूट कर सकते हैं, या उसको ट्रिम करना है, या उसका म्यूजिक रिप्लेस करना है. ये तीनों चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे. चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. मेरा नाम कैसर हीम है और आप देख रहे हैं ई डिजिटल टेक्निक यूट्यूब चैनल. चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. जैसे अभी देख सकते हैं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ और चैनल का डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया हुआ है. यही काम आप अपने मोबाइल से अगर करना चाहते हैं तो सिंपली आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, उस पर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके youtube.com ओपन करना है और उसके बाद आपने चले ना अपने चैनल के अंदर इन माय चैनल. उसके बाद जाने के बाद आपने यहाँ पर डैशबोर्ड में आ गए. उसके बाद आपने देखना है कंटेंट पे जाना है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कंटेंट. कंटेंट पे क्लिक करते हैं. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये देखेंगे कॉपीराइट यहाँ पर आया हुआ है. जिसके भी कॉपीराइट आया हुआ है आपने सिंपली यहाँ पर डिटेल्स पे सी डिटेल्स पे क्लिक करना है. सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि आपके कितने हिस्से में आपके कॉपीराइट आया हुआ है. यहाँ पे इससे आपके चैनल का कोई नुकसान नहीं है. सिंपली क्या है कि जिसमें अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद आपका रेवेन्यू जो है वो म्यूजिक के ऑनर को चला जाएगा. लेकिन आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो उसके खत्म करने के लिए क्या है कि आपने यहाँ पे 3 डॉट्स बना हुए, एक्शन का बटन आपने यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप उतने हिस्से को क्या काटना चाहते हो, या उसमें सॉन्ग को रिप्लेस करना चाहते हो, या उतने हिस्से को म्यूट करना चाहते हो. अगर आपके पास ये गलती से अगर आ गया हुआ है, ये म्यूजिक की परमिशन आपने ली हुई है इस्तेमाल करने के लिए, आपके पास लाइसेंस वाला है, तो आप डिस्प्यूट को ओपन करेंगे, उसके साथ आपने वो लाइसेंस अटैच करना है, तो ये कॉपीराइट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. तो अभी क्या है कि हम लोग इसको सिंपली पहले ट्राई करते हैं कि कट कैसे होता है. हम लोग इस कट पर क्लिक करते हैं. दोनों साइडों पर जिस हिस्से में हमारे पास कॉपीराइट आया हुआ है सिंपली यहाँ पर पहले से मार्क आ गया हुआ है, हम लोग इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी उतनी वीडियो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, जिससे हमारे पास कॉपीराइट हमारी वीडियो पर खत्म हो जाएगा. उसके बाद जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं, इसके बाद आ जाता है रिप्लेस द सॉन्ग. रिप्लेस द सॉन्ग पे हम लोग क्लिक करते हैं. रिप्लेस द सॉन्ग पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ तरह स्क्रीन आ जाएगी. जितने हिस्से में कॉपीराइट है वो रेड कलर का आ रहा है. इसमें क्या कि हमने सिंपली उस हिस्से को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है और कोई भी यहाँ पर जो इसमें से आपको सॉन्ग अच्छा लगता है, YouTube लाइब्रेरी का सॉन्ग होगा, हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो ये उतने हिस्से में आ जाएगा. इसके बाद क्या कि हमने उतने हिस्से को इसके नीचे यहाँ से पकड़ के सिर्फ एग्जैक्टली जैसे ये खत्म हो जाएगा इसके नीचे लेके आ सकते हैं. अगर दूसरी जगह पर अगर आपके एक जगह से ज़्यादा, जैसे मेरे पास 2 जगह पर कॉपीराइट है, मैं इस जगह को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट एक सॉन्ग को ऐड करूँगा. उस सॉन्ग को ऐड करने के बाद सिंपली मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा और उतने हिस्से को मैं ट्रिम करके बिल्कुल एग्जैक्ट उस सॉन्ग के नीचे चला जाएगा. उसके बाद सेव पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये कॉपीराइट जो है एक प्रोसेस होगा. प्रोसेस होने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद जाके ये कॉपीराइट खत्म हो जाएगा. इसके बाद 3rd नंबर पर आता है म्यूट. मैं म्यूट पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जाके क्लिक करके यहाँ पर आ जाएगा कि जितने जितने हिस्से में है वहाँ पे कॉपीराइट आया हुआ है, इसने पहले से वो मार्क कर दिया हुआ है. सिंपली हम लोग इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे उतने हिस्से की वॉइस जो ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी म्यूट हो जाएगी और आपका कॉपीराइट तकरीबन 24 आवर्स के अंदर इसका कॉपीराइट जो है वो हट जाएगा. वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.